यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल डॉक्टर सुरेश मलिक जी हैं और हमारे बीआर सीम शिक्षण संस्थान की तरफ से हमारे सारे हेड्स यहां पे उपस्थित हैं। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि इस वर्ष एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की ओर से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग चैंपियनशिप फ्री स्टाइल फॉर वुमेन वो आयोजन करने के लिए दिया गया था चौधरी बंसीलाल इंस्टीट्यूट को और उसकी मेजबानी हमारा बीआरसीएम शिक्षण समिति करने जा रहा है। ये अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता महिलाओं के लिए जो आयोजन हो रहा है ये 14 से 16 मार्च को बीआरसीएम शिक्षण संस्थान के प्रांगण में होगा और इस प्रतियोगिता में लगभग अभी तक 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी की वहां पर आ गई है एंट्री और इसमें लगभग 850 प्रतियोगी भी पार्टिसिपेट करेंगे और इनके साथ पूरे भारतवर्ष से बहुत से कोचेस और बहुत से लोग आने इकट्ठे हो रहे हैं। और इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा कि इस पूरी मेजबानी जो बीआरसीएम शिक्षण समिति कर रही है एक इसको एक अंतर्राष्ट्रीय रूप का देने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहां पर कि उनको जो प्रतियोगिता के लिए इंटरनेशनल फैसिलिटी दी जाएगी, एरेना दी जाएगी, खाने पीने रहने की अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान की जाएगी। और मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर आर के मित्तल जी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के किसी कारणवश आज उपस्थित नहीं हो पाए लेकिन उनके बिहाफ पे हमारे सुरेश मलिक जी यहाँ पे उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम जो 3 दिन का कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा कौन अतिथि होंगे उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे सुरेश मलिक जी देंगे। ओवर टू सुरेश मलिक। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सिन्हा साहब, आपने बड़े विस्तार से ये बताया। सर्वप्रथम तो मैं आपकी तरफ से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की तरफ से सभी जो मीडिया साथी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ धन्यवाद भी करता हूं कि मीडिया साथियों ने केवल इस बीआरसीएम शिक्षण संस्था को ही ऊपर तक पहुँचाने का कार्य नहीं किया, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की भी जितनी ज्यादा अच्छे से अच्छी खबरें मीडिया साथियों ने दी हैं मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को ऊपर ले जाने में हमारे मीडिया साथियों का बहुत बड़ा रोल है। और जैसा आप सब ने पता होगा कि 2018 में भी नवंबर 2018 में हमने यहाँ चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय जिसके पास अभी तक तो केवल मात्र मैं कहूँगा कि 2 शिक्षण भवन बनकर तैयार हुए हैं, बहुत सारी खेलों की सुविधाएं नहीं है और भी अन्य सुविधाएं जो एक विश्वविद्यालय में होनी चाहिए वो अभी तक पूर्ण नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी हमने बीआरसीएम एजुकेशन सोसाइटी को ये कहा कि किस प्रकार से यदि इस प्रकार का एक आयोजन भिवानी में किया जाए तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं खेलों को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और 2018 के अंदर भी हमने बॉयज का फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दोनों स्टाइल जिसमें लगभग 1500 के आसपास पहलवानों ने भाग लिया था, सभी साथियों ने उसको बड़ी बखूबी के साथ लोगों तक पहुंचाया था। और इसी कड़ी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने अब की बार हालांकि AIU को हमने कबड्डी टूर्नामेंट की डिमांड रखी थी लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ये फेथ किया कि आपके वहां सबसे अच्छी रेसलिंग का जो कंपटीशन है वो फेयर और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया तो आप लोग वापस दोबारा से रेसलिंग का आयोजन करो। और उस रेसलिंग के आयोजन में मैं बताऊं कि बॉयज की जो रेसलिंग अभी आप लोगों ने उसको बड़ी बखूबी के साथ लोगों तक आपने भी पहुंचाया कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने अपने नए भवन में उसका आयोजन किया है जो एक सफल आयोजन रहा और किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट या कोई किसी किस्म की कोई असुविधा वहां नजर नहीं आई। लेकिन बहुत बड़ा जब आयोजन होता है तो
सभी को पता है कि छोटी कोई न कोई ऐसी छोटी मोटी बातें, छोटी कमियां कुछ रह जाती हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों ने उनको नजरअंदाज करते हुए ये सराहा कि वास्तव में ही एक अच्छा आयोजन, और वो जो आयोजन हो पाया वो भी मैं कहूँ कि जो कंवर महाराज जी दिनोद वाले हैं उनके सहयोग से, मुख्य रूप से उनका बड़ा सहयोग रहा हमारे लिए, क्योंकि तो जिला विश्वविद्यालय के पास अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को या स्पोर्ट्स पर्सन को रोका जा सके, लेकिन उन्होंने महाराज जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया, तो मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ कि ये इतना बड़ा आयोजन उनके वहाँ होया हुआ। और इसी कड़ी में ये दूसरा जो आयोजन था, मैंने वीआरसीएम एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर एस के सिन्हा जी से बात की, तो इन्होंने भी कहा सर हर चीज को माना कि हम ये एक इलाका जो है हम जानते हैं टोटली इस प्रकार का इलाका है जो राजस्थान की बेल्ट से जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार के खेलों के खेल जो है यहाँ बहुत कम पब्लिक को या बच्चों को देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार इसलिए ये जो लड़कियों की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रेसलिंग चैंपियनशिप है, जैसा कि बताया कि 14 तारीख से 16 तारीख तक इसका आयोजन बीआरसीएम शिक्षण संस्थान में यहाँ किया जा रहा है, और इनके रहने सहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। वैसे मैं आपको बताऊं कि खाने का कोई यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंटों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं वो पेमेंट के ऊपर ही खाना खाते हैं, हमें तो केवल उनको एक सुविधा प्रोवाइड करवानी होती है, और जैसे कोई बैडिंग के चार्ज भी जो होस्ट जो यूनिवर्सिटी होती है भाग लेती है वही करती है, हमें वो बैडिंग उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो इस तरह के भी ये कोई वो नहीं है, ये यदि अच्छी सुविधाएं हम दे देते हैं तो बहुत सारी कम पेट के ऊपर भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती कई जगह पर, लेकिन यहाँ मुझे पूर्ण विश्वास है जब पिछला जो कंपटीशन हुआ था वो बड़ा अच्छा और सक्सेस हुआ था, जिसके अंदर तो ज्यादा पार्टिसिपेशन था, अब की बार लगभग मान लो कि 100 से ऊपर यूनिवर्सिटी यहाँ भाग लेगी, और लगभग 800-900 के आसपास जो है महिला खिलाड़ी भाग लेने की उम्मीद है, जिसका क्योंकि कई बार ये होता है कि कोरोना के बाद बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर जो है इस प्रकार का है और वो था, लेकिन अब कोरोना के बाद पार्टिसिपेशन खेलों में बढ़ा है, ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ 14 तारीख से और 16 तारीख तक इसका आयोजन हो रहा है, 13 तारीख को सभी ऑफिशियल और टेक्निकल ऑफिशियल्स की एक मीटिंग है शाम को 4 बजे यही होगी, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह उनको दे दी जाएंगी, बता दी जाएंगी, और लगभग 14 तारीख को कुश्तियां सुबह 6 से 7 बजे तक वजन होगा और 9 बजे कुश्तियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन ओपनिंग जो सेरेमनी है वो लगभग 2 से 2.5 बजे के बीच में ओपनिंग सेरेमनी इसकी रहेगी 14 तारीख को, और इसी प्रकार क्लोजिंग जो सेरेमनी है वो भी हम ये चाहेंगे कि 16 तारीख को 2-2.5 बजे उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हो जाए, ताकि जो बच्चे जाने वाले हैं दूर दूर से उनको कोई किसी प्रकार की दुविधा ना हो। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी पर कौन कौन उपस्थित हैं? हाँ, मैं आपको बताऊं कि अभी आजकल आपको पता है कि ये दौर जो है विधानसभा का चला हुआ है, और मंत्री जी जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं उनकी बिल्कुल हाँ थी और उन्होंने यहाँ आना था, लेकिन वो अब विधानसभा के स्तर के कारण से मंत्री लेवल पर नहीं आ सकते, उन्होंने बड़ी उससे ये कहा था कि आप इसको आगे पीछे, लेकिन ये एआईयू की तरफ से जो डेट फाइनल हो गई थी तो हम उनको आगे पीछे भी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैंने मंत्री जी से कहा कि सर आप, उन्होंने कहा कि मान लिया 14 और 15-16 तीनों दिन कोई भी मंत्री हरियाणा सरकार का नहीं हो सकता क्योंकि सेशन है, तो इसलिए हम इसमें चाह रहे हैं कि जैसे मान लिया ओपनिंग के ऊपर एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अनमोल रेसलर है जो कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो एचसीएस है हरियाणा के अंदर, सीटीएम है आजकल सोनीपत के अंदर, वो उसमें एक विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेगी, हमारे वाइस चांसलर जिन्होंने आज आप लोगों के सम्मुख यहाँ कॉन्फ्रेंस में होना था वो यूजीसी की एक टीम आने के कारण से, उस टीम की जो इंस्पेक्शन है उसके चलने के कारण से नहीं आ पाए, तो हमारे वाइस चांसलर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी हैं वो उसको प्रेजाइड ओवर करेंगे, और अभी शायद फाइनल हो जाएगा कि हमारी उम्मीद है कि कर्णम मल्लेश्वरी या कोई एक ऐसी डिग्निटरी जिसका ओलंपिक में मेडल है, अभी 3-4 से बात चल रही है, अभी मैं आपको बताऊं कि फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बात है यदि आपको सबको पता है कि एरिया थोड़ा सा ज्यादा दूर है, थोड़ा सा वो दूरी को देखते हुए कई बार अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई ऐसी डिग्निटरी यहाँ जरूर उपस्थित होगी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही।